लेंस एंड लाइफ क्लब का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आप लोगों के सामने रूबरू होने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। और मेरे प्रेजेंटेशन का दो भाग है, एक सोनार मरुभूमि गोल्डन ड्यून्स और दूसरा भाग है स्ट्रीट फोटोग्राफी। उस स्ट्रीट फोटोग्राफी में मोस्टली कोलकाता की फोटोज होंगे, पर इसके अलावा भी दूसरी फोटोज होंगी। मैं थोड़ा सा अपने जो फोटोग्राफी है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके फिर मैं शुरू करता हूँ। तो मित्रों, फ्रेंड्स, मैं एक बात पहले जरूर कहना चाहूँगा और बार बार कहता हूँ, फोटोग्राफी में पांच चीजें बहुत जरूरी है। These are ingredients of photography, and these are vision, visualization, line, light and life. Without any of these five, no photography, art photography can be done. ये पांचों बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बतलाता हूँ, बहुत मामूली। विजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी आर्टिस्ट के पीछे। विजन उसका सोच है, उसकी फिलोसफी है, वो सारे लोगों को, सारे दुनिया को किस ढंग से देखता है। वो आदमी एक तरह से पॉजिटिविस्ट है या नेगेटिविस्ट है, किस ढंग का है वो, उसका सोच, उसका आइडिया, उसके विचार, वो उसके आर्ट में झलकता है। कोई कंपनशेट बहुत करुणा वाला है, दयालु है, तो ये भाव उसकी फोटो में आएगा। कोई क्रोधी है या हिंसक प्रवृत्ति का है तो वो भी उसके उसमें आएगा। कोई ईर्ष्यालु है तो वो भी उसके आर्ट में चलेगा। हम जो भी काम करते हैं, फोटोग्राफी नहीं, एवरीथिंग, वह उसके पीछे हमारा एक सोच होता है जो इंडिविजुअल होता है, हर एक अलग होता है। वो बहुत जरूरी है, उसको विकसित करना, उसको व्यापक करना बहुत जरूरी है। विजुलाइजेशन आप जानते हो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। फोटो लेने से पहले आपके दिमाग में, आपके मन में एक फ्रेम बन जाना चाहिए कि मुझे यहाँ पर ये फोटो लेना है, इस ढंग का फोटो लेना है। ये नाम तो उसने एंसल एडम ने लिया किया था, पर उससे पहले भी लोग विजुअलाइजेशन तो करते ही थे। और लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि नो फोटोग्राफी नो द लैंग्वेज ऑफ लाइन एंड लाइट। आप जब तक लाइन और लाइट की लैंग्वेज, उसकी भाषा नहीं समझेंगे, आप फोटोग्राफी को नहीं समझ सकते। तो मेरी जो डेजर्ट फोटोग्राफी है, उस स्टेजिंग फोटोग्राफी में मोस्टली लाइन और लाइट की मेलोडी आपको देखने की मिलेगी। और लाइट किस ढंग की, लाइट क्या प्रभाव करती है, मैं बीच बीच में फोटो थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, ज्यादा नहीं, कम आपको बोर करूंगा, पर थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। और लाइफ तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है। लाइफ का मतलब है इमोशन, सेंस ऑफ फील। यदि आपका फोटो, आपकी इमेज व्यूअर के मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं करता है, कोई इमोशन उत्पन्न नहीं करता है, कोई फीलिंग उत्पन्न नहीं करता है, तो वह एक निर्जीव सा है। ए फोटो विथ गुड, वेरी गुड और परफेक्ट टेक्निक बट विदाउट लाइफ इज लाइक ए बॉडी, ए डेड बॉडी डेकोरेटेड विथ ऑर्नामेंट्स। अगर फोटो में टेक्निक बहुत बढ़िया आपने यूज की है पर उसमें इमोशंस नहीं है, तो वह एक निर्जीव शरीर जो कि आपके अलंकरणों से अलंकृत है वैसा ही है। देखने में सुंदर तो लगता है, पर वो सुंदर लगने में क्या कुछ है ही नहीं, उसमें जीव ही नहीं। तो लाइफ बहुत जरूरी है। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में जो मैं करता हूँ, उस स्ट्रीट फोटोग्राफी में लाइफ इमोशंस मेरी दृष्टि में नंबर वन पॉइंट है। अगर उसमें वो लाइफ कलर नहीं है तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी एक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। स्ट्रीट फोटोग्राफी में जो दो तीन बातें होनी चाहिए, लाइफ इमोशन है ही, उसके बाद में स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, वो
आपका नरेटिव होना चाहिए, जिसको देख करके व्यूअर के मन में कई तरह के भाव आते हैं, कई तरह की अपना आप स्टोरी आ जाती है। ये जरूरी नहीं है कि जो फोटोग्राफर है वो जो कहना चाहता है व्यूअर उसकी बात को समझे, कोई जरूरी नहीं है। उसकी बात को समझता अच्छी बात है, पर वह अपने ढंग से उसको इंटरप्रेट करता है, तो वो इंटरप्रेट होने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। फोटो में फोटो ऐसी होना चाहिए जो व्यूअर को मजबूर करे इंटरप्रेट करने के लिए, सोचने के लिए, उसको क्वेश्चन, उसके मन में क्वेश्चन पैदा करे। तो जो क्वेश्चन पैदा होते हैं और फिर वो जो व्यूअर है वो अपने आप उस क्वेश्चन को उसमें ढूंढता है और ढूंढ करके अपने उसको इंटरप्रेट करता है। दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट फोटो। तो ये मैं मानता हूं कि ये स्ट्रीट होना चाहिए। और उसकी जो टेक्निक है, वो मैंने जो टेक्निक प्राय, कोई मेरी कोई नई टेक्निक नहीं है, पर मैं उसको पसंद करता हूं और वो ब्लर करता हूं। सारी फोटो को ब्लर नहीं करता हूं, पर फिर भी ब्लर करता हूं। ब्लर क्या है कि वह एक इट सिग्निफाइज द एक्शन एंड स्पीड, और एक्शन और स्पीड जो है वो स्ट्रीट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। वो ब्लर स्ट्रीट फोटोग्राफी को समझने में, उसको उसकी ब्यूटी को एनहेंस करने में मदद करता है, इसलिए मैं ब्लर यूज करता हूँ। मैं आप मित्रों को थोड़ा सा बता दूं कि मैं ब्लर दो तीन तरीके से करता हूँ। मैं कभी ICM करता हूँ, इंटेंशनल कैमरा मूवमेंट करता हूँ, डरता नहीं घबराता नहीं कि ऐसा करने पर कुछ भी शार्प होगा नहीं होगा। मुझे अब सैलून में पार्टिसिपेट करना नहीं, बहुत किया तो मुझे अब क्या है कि वो सेंस उत्पन्न करना है, एक सेंस ऑफ एक्शन उत्पन्न करना है, सेंस ऑफ डायनामिज्म जो है वो मुझे उत्पन्न करना है, इसलिए मैं वो ICM यूज करता हूँ। कभी ICM बहुत बढ़िया होता है, कभी कभी नहीं होता है, पर मैं कभी मैं पैनिंग करता हूँ, कभी मैं स्लो शटर स्पीड यूज करता हूँ, कभी मैं वैसे ब्लर करता हूँ आपके अपर्चर ज्यादा ओपन करके। ऐसे तीन चार जो तरीके हैं जो आप लोग सभी जानते हैं, वो उन सब का उपयोग करके और फिर मैं करता हूँ। तो मित्रों, अब मैं ये अपनी इतनी सी बात कहकर के मैं अब शुरुआत करता हूँ। और पहले मैं डेजर्ट की फोटो दिखा करके और फिर मैं अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफी पर आऊंगा। आपको कोई प्रश्न करना हो, किसी फोटो पर प्रश्न करना हो, कुछ पूछना हो, आप उस फोटो को अच्छे ढंग से नोट कर लें और बाद में मुझे बताएं कि आपने इसमें क्या किया है, कैसे किया, जो भी आप करना चाहें वो भी आप कर लीजिए, ठीक है। तो मैं अब शुरू करता हूँ। ये मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। मेरे शिवजी महाराज है ना यहाँ, तो शिवजी महाराज की जय बोलते हुए ये मेरा पहला शॉट है जो अपने कलकत्ता से ही लिया हुआ है। सूर्य को अर्घ दे रहा है, ये स्ट्रीट फोटो का है। और अब आगे चलते हैं। ये अपने सोनार किला आ गया, सत्यजीत रे का सोनार किला। अब मैं कुछ आपके डेजर्ट में ले चलूंगा सीधा, और ये जैसलमेर की फोटो नहीं दिखाऊंगा। और ये गोल्डन लाइट, गोल्डन लाइट आपके सूर्य सनराइज से पहले होती है, 15 to half an hour यू मे गेट गोल्डन लाइट। आई दिस लाइन आल्सो दिस देयर डायगोनल लाइन। बेटा एक पेपर खाली होगा, दिस इज द डायगोनल लाइन। You all know that diagonal line is a very strong line. It is dynamic line. This is also golden hour. Golden hour. Yes. Flame is going towards sun and manager. So there is a rhythm. It works as a leading line. Line is there. Diagonal line
एंड वर्क्स ऑन डेटिंग लाइफ। अगेन कर्व लाइन, डिजिटल लाइन, डायगोनल लाइन, इट्स आफ्टरनून फोटो, सन इज ब्राइट, ऑलमोस्ट 4:30, बट कवर्ड बाय क्लाउड्स, सो वेरी गुड लाइट, टॉर्च लाइट। अरेंज, दिस इज अरेंज फोटो, दिस वॉज नॉट अरेंज फोटो, इट वॉज दे ऑलरेडी देयर, ऑल दिस अरेंज वर्कशॉप, वर्कशॉप, वर्कशॉप। अगेन डायगोनल लाइन, दिस दिस लाइन एंड दिस मेक्स अ ट्राइंगल एंड लिटिल डिटेल इज देयर इन शेडो, इन शेडो एरिया लिटिल डिटेल इज देयर, इट इज प्लीजिंग। Look at this photo. This is my student, GPA student. This is leading line. The cloud leading line, it carries our eye here, right here. And if I could block this white area by putting her here, that could have very better. But I could not. Aisa ho nahi saka. Other it is good. Even it is good. Look at this, is a very nice flow of clouds. Diagonal, diagonal, and this is also circular diagonal. So read the lines in picture and you will get the sense of picture. Again diagonal, this is, this is taken by 300 mm very ordinary lens, 70-30 Nikon, very cheap lens, not very expensive, with D80. All shots are arranged shots. But almost this is not arranged. After workshop, they were just talking each other. Friends, this is blue hour. And we normally just pack our camera just after sunset. No, it should not be. We should wait. We should wait for drama. Sometimes it happens, sometimes it not happen. But sometimes it happened. Very good drama in the sky. And the result is here. The blue hour is after 30 minutes of sunset and before 45 minutes of sunrise. It lasts 10 to 15 minutes, blue hour. So it's a mix hour, mix light, golden and blue hour. Very pleasing. Look at this. This is the zero line. Just first ray of sun touch the this sand dune. And no, I have not saturated this. Not I have not put any color. Just exposure adjustment. Just exposure adjustment and nothing else. I seldom do saturation, no. Yes, I enhance vibrance, but not saturation. Again, ये थोड़ा सा ऊपर आने पर ये जो light, but even it is now golden light, it is golden light. And look at the curves. Friends, the desert is not a barren land for me, but I
visualize a female grace in this desert and find female figure here also. You can figure out this one. This is depends on vision. How you look at things? How you look at things? This is vision. This is totally hard light. Look the curves and beauty, light and light. Game of line and light. How beautiful curves are formed by this line and light. मैं बार बार लाइन और लाइट के कहता हूं फ्रेंड्स आप समझे इस बात को जितना आप लाइन और लाइट से फ्रेंडली होंगे उतना आपका फोटो बहुत बढ़िया होगा देखिए आप क्या क्या शानदार ये यहां पर शेडो है यहां लाइट है और फिर क्या डेप्थ दिख रही है क्या डेप्थ ऑफ फील्ड आ रही है क्या 3D इफेक्ट आ रहा है क्या ये तो माइन लग रही है गोल्ड माइन दिस इज गोल्ड माइन फॉर मी इट इज गोल्ड माइन यस लुक एट दिस कर्व दिस ऑल इज द प्ले ऑफ लाइन एंड लाइट लाइट एंड शेडो मेड बाय लाइन एंड लाइट Detail is here. Sometimes we can experiment. Total dark. We can do also. And we should not afraid of the depth experiments. Beautiful pastel color. कभी-कभी desert बहुत खूबसूरत हो जाती है. Like हवा चलती है, तो उसमें इतनी delicacy आ जाती है. उसमें आप ये मुझे बहुत दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी डेलिकेट ये हवा है और देखे अगर आप थोड़े थोड़े देखे अगेन गोल्डन लाइट आफ्टरनून गोल्डन लाइट दिस इज आफ्टरनून गोल्डन लाइट ये शूटिंग से एक दिन पहले बरसात हो गई थी ये मुंबई से मेरे फ्रेंड आए थे अनिल भारती अपूर्व शर रहे नहीं अपने फ्रेंड्स को लेकर के आए थे क्लब को उनके साथ में मैं वो मुझे लेके गए थे तो ये एक दिन पहले बरसात हो गई सब निराश हो गए कब क्या होगा शूटिंग में जाना मैंने कहा आप चिंता मत करो ड्रामा होगा और ऐसा बढ़िया ड्रामा हुआ इतना बढ़िया फोटोग्राफ एक डिफरेंट प्रकार का ये जो है वो गीला है और ये जो सूखा है गीला और सूखा वेट एंड ड्राई एक बड़ा अलग प्रकार का ये चित्रकारी देखिए ये किस चित्रकार ने बनाया है कितनी खूबसूरत चित्रकारी है और कितनी बारीक डिटेल है ये है चित्रकार और भी है और भी कुछ रेप्टाइल्स होते हैं कई तरह के छोटे छोटे रेप्टाइल्स होते हैं और वो इन पर चलते हैं फिरते हैं तो उससे ये बढ़िया जो है वो हो जाती है ये पेंटिंग हो जाती है ये रेप्टाइल्स द्वारा बनाया हुआ है सांप भी होते हैं स्नेक भी होते हैं यहाँ स्नेक भी आते हैं काफी हाँ बिल्कुल
और मित्रों मैं तो ये कहता हूँ ये मेरा हार्ट है, दिस इज माई हार्ट, दिस इज माई, ये मेरा दिल है, आई लव डेजर्ट, मेरा दिल यहीं रहता है, डेजर्ट में रहता है, दिस इज माई फर्स्ट लव, स्ट्रीट फोटोग्राफी इज माई सेकेंड लव। आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ ज्यादातर, ये देखिए ये थोड़ी सा हार्ड लाइट हो गई।